एसबीआई के जो नतीजे हैं वो बाजार पे बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे थे, 2420 करोड़ का घाटा यहाँ पर बैंक ने पोस्ट किया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 2068 करोड़ का मुनाफा बैंक पोस्ट करेगा, तो बिल्कुल विपरीत हो गया ये तो। और ग्रॉस एनपीए देखें तो वहां पर भी बढ़त देखने को मिली है, तिमाही दर तिमाही आधार पर जो ग्रॉस एनपीए की फिगर रिपोर्ट करी है बैंक ने वो है 10.35% वर्सेस 9.83%, और जो नेट एनपीएस हैं उसमें भी जंप है 5.61% वर्सेस 5.43%। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुमान था उसमें थोड़ा मिसमैच है, और जो घाटा पोस्ट किया अब जानना होगा किन कारण वर्ष यहां पर जो घाटा है वो पोस्ट हुआ है, लेकिन 2416 करोड़ का घाटा बैंक ने पोस्ट किया है बीती तिमाही में। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए ललिताभ श्रीवास्तव साहब इसमें मौजूद हैं, एवीपी शेयर खान के। ललिताभ जी बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों से, और ये जो 2416 करोड़ का घाटा है इसको कैसे देख रहे हैं आप? हमारा ऑन एनआई फ्रंट हमारा हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से इन लाइन में रिजल्ट आए हैं, लेकिन काफी बड़ा प्रोविजनिंग हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में, एंड उसकी वजह से मेनली उसकी वजह से हमें लगता है कि प्रॉफिट्स पे काफी। सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपने बोला प्रोविजनिंग भारी भरकम की है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, देखना होगा और नतीजों में क्या बारीकियां हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस समय क्या कह रहे हैं नतीजों के बाद, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। एज ए मार्क टू मार्केट ट्रेजरी इनकम ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड एंड देयर वर नो मेजर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दिस क्वार्टर, एंड थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स द प्रोविजन एंड पेमेंट फॉर एम्प्लॉयज, बिकॉज फ्रॉम नवंबर 17 the wage negotiation or wage settlement has become due, and bank consciously has decided to make provision which is about 700 crore. So as a combination of factor, and on the top of it in December, keeping in view the risk based supervision for March 17, a few assets which otherwise were in stressed assets category, they have been put in NPA category, and consequently the provision has been made at the enhanced level. The PCR has gone up by more than 100 basis point, and if we look from June quarter, the PCR has improved by 600 basis point. So more and more the bank's strategy has been to align the provision with the expected loss. So that has been the conscious strategy which bank has been following, and this is a combination of these factors which has resulted in the quarterly loss. But there are many, many positives which also needs to be taken into consideration. One is, as far as the slippages are concerned, and if the situation is compared with the previous year, the slippage ratio has come down, and even in absolute terms, for the 9-month period, for the merged entity, the NPAs are much lower. The growth in retail continues to be robust, and SME particularly, because of a couple of factors. One is the internal delivery mechanism which bank has put in for SME segment. नहीं, नतीजों पे तो इस बार थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और 2420 करोड़ की जो फिगर है वो घाटे की फिगर वो बाजार को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ललिताभ जी आपसे एक सवाल होगा, आपने बोला प्रोविजनिंग भारी भरकम है 18876 करोड़ की, टैक्स एक्सपेंसेस बैंक के बढ़ते हुए नजर आए हैं, फेयर वैल्यू क्या समझें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अब ये नतीजों के बाद आप कैसे देखते हैं बैंक के प्राइसेस को? मिस्टर श्रीवास्तव सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए लगता है कि यहाँ पर फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो नतीजे हैं उसमें हम मुनाफा समझ रहे थे बैंक पोस्ट करेगा, और हम मुनाफा सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 33% बढ़ेगा तिमाही दर तिमाही आधार पर, लेकिन जो नतीजे आए उसमें 2416 करोड़ का घाटा बैंक ने पोस्ट कर दिया, ग्रॉस एनपीए एनपीए बढ़े, और साथ ही साथ जो प्रोविजन है वो भारी भरकम की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीती तिमाही में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस तिमाही में नहीं होने चाहिए थे इतने स्ट्रांग प्रोविजन, लेकिन हुए, तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।